होश है सबा, ज्यादा तो नहीं गर्दन घूट दी आपकी? हेलो मैंने गले लगाया सुनने नहीं लगाया। चले कोई बात नहीं, आज हम चले जाएंगे। ना बात करो मुझसे, मेरा बच्चा पता लग गया से आज पता चल जाएगा, मजाक नहीं है। किस कुतियों से हिसाब लगाएं कि हमारे इधर रूम के अंदर कितने लोग होंगे। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। और रात सबा ना कह रही थी कि अहमद मुझे ना ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में ना कोई शादी हो, फंक्शन हो, बारात हो, कोई पार्टी हो, इस तरह से लगता है। चारपाइयां वगैरह सारियां घर में देख के ना, ये देखें अभी तो क्लोज हो गई हैं काफ़ी, इधर सारी चारपाइयां, उधर चारपाइयां, बाहर चारपाइयां। अभी आज मेरे ख्याल में कुछ अंदर भी डाल दिए हैं। तो मैयदीन भाई वालों की उनके घर दे आए हैं कि अच्छा, वो अभी आ चुके हैं ना। मैयदीन वाले आ गए? हाँ, अच्छा जी। के बैठने की चारपाइयां नहीं थी तो वो हमने दे दिया उनको। अच्छा, ये तो बड़ा घर है ना, जब हमारा छोटा घर होता था उधर तो इससे भी बड़ा बड़ा, यानी कि ऐसे फंक्शन होते थे वहाँ पे, माशाल्लाह बहुत सारे मेहमान आते थे, इंजॉय करते थे वो। ये ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर में माशाल्लाह से बहुत सारे मेहमान हों, रौनक हों, मेले हों। अब जब देखें ये सारे मेहमान चले जाएंगे तो उसके बाद क्या, घर बिल्कुल खाली खाली सुना सुना लगता है। पहले माशाल्लाह से हमारा बड़ा घर है, जब इसमें से सारे बंदे ही वापस चले जाते हैं फिर इंसान का एक हफ्ता 10 दिन दिल भी नहीं लगता। दिल भी नहीं लगता। हाँ, और अभी कोई बात सुनी है आपने? नहीं, तैयारी करके जा रहे हैं। ना कर, सच्ची मजाक नहीं है। उन्होंने तो जुम्मे जाना था, आज तो जुमेरात है। मैं सोच रही हूँ कब से, सुबह मैंने भी सुना है कि वो जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं वो तो जुम्मे जाएंगे ना। हाँ, नहीं आज जा रहे हैं। ये तो फिर उनसे पता चले, ये तो पूछते हैं ना कि आज क्यों जा रहे हैं, कोई मसला है, परेशानी है, अल्लाह खैर करे। या अगर कोई मसला परेशानी नहीं है फिर तो हम आज नहीं जाने देंगे। अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, ऐसा इम्पोर्टेंट काम, आखिर इंसान की मजबूरियाँ भी हो जाती हैं, फिर हम उनको नहीं रोकेंगे। क्योंकि हर इंसान के में, क्योंकि हम जब जाते हैं हमारी मजबूरी होती है, फिर कितना रोकते हैं, लेकिन हम नहीं रुकते ना। साफ ज़ाहिर है हर इंसान को अपनी मजबूरी का पता होता है। हाँ जी, चलो फिर पूछें, बाद में पूछते हैं। अच्छा, दिल कर रहा है मैं ये वाली जूती पहन लूँ। ये वाली इधर से ना ऐसे पहन। यो सबो, मुझे एक बात याद आ रही है, बताऊं वो बात? आप किस तरह की जूती कहाँ है? कहाँ है, मैंने एक दिन भी नहीं पहनी। एक दिन पहने थी शादी पे मुंशी की, फिर मुझे पता नहीं आपको ने कहाँ की है। इस तरह की जबरदस्त न्यू जूती आपने सारी बर्बाद कर दी है, मुझे पता चल गया। बर्बाद किधर कर दी? मैंने जब पहनी एक दफा आया तो मैंने बर्बाद कहाँ कर दी? तेरा दिमाग दा इलाज करवा तू ले आए थे। हाय हाय, क्या नहीं है? हाँ, ये देखे मैंने ये जूती देखी ना, ये वाली, मैंने कहा ये मेरे वाली भी है। इसको साफ तो करती है इसको, और ये थे हालत देख जूती की। मुझे अफसोस है सबा तुम पे, अपने हस्बैंड की जूती को साफ ना कर सकी तू। कर देती हूँ जनाब, जैसे वहां से ले आई थी ना अलीपुर से, वैसे की वैसे पड़ी हुई है। कपड़ा वगैरह लगाया था इधर रखे ना, बच्चे कपड़े जूते शूटे उठाते रहते हैं ऊपर डाल दिए, फिर इसलिए जैसे धूल हो गई है। अभी आप सूट चेंज करोगे ना? अच्छा, न्यू सूट आ रहा है, न्यू सूट, अभी न्यू सूट सिलाई होके आ रहे हैं। अल्ताफ भाई लेके आए थे सफेद वाले सूट, वो भी अभी वही पहनेगा, मैं भी वही पहनूंगा, तो साथ में ना ये जूती पहनूंगा, वो भी उसकी जूती भी इस तरह की है, तो कैसे लगेंगे हम? बहुत प्यारा। अच्छा, सच्ची मजाक कहने करेंगे कोई? नहीं नहीं, मजाक नहीं है, सच्ची बात है। माशाल्लाह बहुत प्यारे लगोगे, अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। यार अक्कल है, मैं इसको ना कपड़ा मार देती हूँ, बिल्कुल सेम सेम है। ये देखो अहमद, फुल सेम सेम, इधर देखो सेम सेम है। ये किसकी है? अल्ताफ की। नहीं उसकी नहीं है, किसी भाई अल्ताफ की है। अच्छा हाँ। तो ये अल्ताफ की है, वेरी फिर एक जैसे कपड़े भी। सच्ची आंखों में, अच्छा मुझे आंसू, ये देखो आंखों में, देख लो सब आंसू आ गए हैं। क्यों आते हैं? खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पूछो ना क्यों आते हैं? और ना ही दुख, दुख खैर मुझसे हो जाता है बर्दाश्त, बड़ी बड़ी टेंशन है परेशानियां उसमें मैं इजी रहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, लाइव विद जीशान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? फिट फाट हैं? माशाल्लाह ठीक हैं। आपकी तबीयत भी ठीक है? ठीक बिल्कुल। जूती मेरी देखो ठीक है? ठीक है, सही लगेगी ये क्या?
उसके साथ ये पहन रहे हो? नहीं नहीं, वो एक सफेद सूट आ रहा है अल्ताफ भाई का और मेरा सेम सेम, तो उसकी जूती भी इस तरह की है तो मैंने निकलवा ली, वो पड़ी हुई है देखो। मैं समझा ये इसके साथ पहन रहे हो, ये तो क्या बोले मैच ही नहीं होगा। ये तो जैन की पड़ी हुई थी, मैंने पहनी है तो सब ने कहा बहुत प्यारी है, 7 दिन तक पहनो। अच्छा। तो अभी 7 दिन पूरे होने वाले हैं तो अभी मैं उतारूंगा, क्योंकि टाइम टेबल जो मुझे बोलते हैं मैं वही करता हूँ ना। हाँ, और आप ठीक से आए हैं? हाँ मैं ठीक, सही रास्ते से आए हैं, गप शप चेल में तिलके तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, हुक्म करने में हो ही चाहिए था सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी पीना है जशन? नहीं मैं पी के आया हूँ मामू असलम के घर से। अच्छा, खैरियत से आए हैं? वैसे मिलने शिलने आए हैं? मिलने चले हैं, अंदर चले बैठे हैं, एसी चल रहा है, मेहमान शेहमान बैठे हैं, आपकी नानी भी बैठी है, हम भी आ रहे हैं। ओके। हाँ, पानी शानी पीना हो तो? नहीं नहीं पी लिया। चले। अरे साफ थी सी सही, इवें जिमें करे नहीं खड़ी। ये इसको अच्छे तरीके से वो मारना था, वो बुरश नहीं होता, बुरश मार के इसकी पालश लगाओ। देखो देखो इसको, उसकी देखो, इसको देखो यार, खुद सेम सेम इन सब। पालश नहीं किया आपने? नहीं। पालश तो कर। वो है विंटो, हमारी है विंटो की और उनकी है बाटा। बाटा एक नंबर होती है मेरे ख्याल। नहीं हमारी। हाँ। नहीं नहीं, बाटा एक नंबर, हमारी 2 नंबर है। फिर पता चलेगा कि डिफरेंट है या नहीं है। खैर आप जूतियों के प्राइस पूछते रहे यार, कुछ तो ख्याल कर। हाँ इवें फजूल था वो भाई वाले को कपड़ा मार दो। हाँ उसको भी कपड़ा मार दोगे दो। दोनों साफ करके ना यहाँ पे रख दो, बस उधर नहीं लेके जानी, जिधर जूतियाँ रखी थी उधर नहीं लेके जानी, क्योंकि फिर मैली कर देंगे ऊपर चढ़ चढ़ के ना। आप इधर ही साफ करके दोनों को यहाँ पे रख दो, और जो न्यू ड्रेस आए वो भी इस कमरे में रख दो। फिर हम मतलब नहाएंगे हम दोनों भाई, उसके बाद हम इस रूम में आएंगे, ड्रेस चेंज करेंगे और ये वाले जूते आगे रखे होंगे, मजा आएगा। अच्छा चलो उसको हटाओ, वो फ्रिज खोल रहा है। ओए हसन यार, गाला थी क्या, क्यों फ्रिज खुले नहीं है? करंट लगेगा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, छोड़ दो। उल्लो करंट लग जा तो। चलो अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है सुल्तान भाई? ठीक हो? ठीक। खैरियत से हो भांजे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ले आए हो? हाँ वो मैं कल ले आया था। अच्छा जी, क्या? अपना मामू वालों को। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खुश हो रहा था, मैं कहा कोई कट्टे का गोल लेके आए हो। खजूरें आनी थी हमारे आपने कहा सुल्तान आएगा मैं उसको दे दूंगा, लेकिन आपने दी नहीं है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम इधर से पैसों से ले लेंगे, पर पैसों वालों में ना मजा नहीं आता, जो फ्री में मिलती है ना उसका बड़ा मजा होता है। हाँ तो वापसी पे ले आना। अच्छा, उसी तरह के ले आना जैसे उस दिन ले आए थे, मुंह में डाल देते घुल जाती थी। अल्लाह चंगा ही करे सी इंशाल्लाह। आमीन। चलो हो गई दोनों साफ, दोनों को इकट्ठे रख दो ऐसे जोड़ के। चलो थोड़ा सा पीछे कर दो, ये बच्चे वगैरह ना हाथ ना लगाए। मैं इधर नहीं रख रही, मैं इधर रख। हाँ बस ठीक है, चले गुड हो गया। ओके हो गया। सुबह आपने नाश्ता किया था क्या? किस चीज के साथ किया था? मैंने एक रोटी खाई थी, मैंने सालन के साथ। अच्छा, पहले आपने क्या जवाब दिया? नहीं, फिर मैंने बोला किस चीज के साथ? वो मैं समझी नहीं थी। अच्छा, समझ जाया कर, ये जो गाली करने ना, मैं समझी नहीं थी ना, मुझे भूख लग रही थी, मेरे जिस्म में से कांप रहा था, तो मैंने कहा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए, इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? आपकी मम्मा भाई कहाँ चले गए? पैसे लेने बेनजीर वाले। चलें दुआ करो उनको मिल जाए। हाँ वो इस वो जैन ना अपनी मम्मा को लेके गए हैं उधर बेनजीर के दफ्तर, जहाँ पे पैसे मिलते हैं ना, वो लेने गए हैं। बच्चों को वजीफा भी मिलता है। हाँ क्या मसला है? एक कौन मैंने पिए ना दुआ सलाम ना हाल वाली में टप्पी तक गई पी। अच्छा हाँ हाँ, ओ दे रहे हाली। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो? ठीक हो? खुश हो? तकड़ी हो? खैर यार, ट्रक सुरमे का बीटिया हुआ है आंखों में। अच्छा आज प्यारी नहीं लगती पी? माशाल्लाह नाल खड़ा पहले कनो प्यारी लगती पी मेरे ख्याल। मैं ना नाक मिला रहा हूँ, दोनों के नाक बराबर, दोनों की आंखें बराबर, सेम है मेरी शक्ल है, बिल्कुल सेम सेम।
आदतें भी मेरी थी, मेरी थी। दांतों का मेरे ख्याल बूथी का फर्क है ना इवे ना, बाकी नाक आंखें हंसना माशाल्लाह सोनी दोनों सेम सेम है। आप दोनों बहने हो? अच्छा मुझे पता नहीं था। ठीक है पता लग गया। पूछा है कि क्यों बांधा हुआ आपने? ओए मैंने देखा नहीं है यकीन कर, मुझे बहुत अफसोस हुआ। सबसे पहले अल्लाह पाक आपको सेहत याब करे, अल्लाह पाक आपको जो पेट में दर्द है खत्म करे। पेट दर्द ये क्यों बांधा है इधर? ओए हो क्या हुआ? थोड़ा निकला हुआ है। क्यों निकला है? ऐसे खुद ब खुद या कैसा लगाया? खुद ब खुद। अच्छा अब छूटा हुआ है? नहीं अभी हो रहा है। अच्छा गोली शोली खाओ इसकी। क्या गोली खाओ? मतलब दवाई वगैरह खाना फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह के भाई खुश हैं, तगड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहु। फिट हो, खुश हो, तगड़ी हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक है। सुना है हमने कुछ सुना है कि तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? एक तो साल साल आते नहीं हो, हम आते हैं 10 दिन रहते हैं, आप आते हो 2 दिन रहते हो। इसीलिए हम भी सोच के आए थे कि कम से कम 15 दिन तो रहेंगे। कहना सोचते हैं हमें पहले दिन आए आपने कहा हम जुम्मे चले जाएंगे, जुम्मे वापसी है, जुम्मे जिसका फोन आता था कहते थे जुम्मे हमने वापसी चले जा रहे हैं। हम जुम्मे का तो सुन रहे थे, दिल को दिलासा दे रहे थे कि चले जुम्मे को अभी देर है, आज भी इकट्ठे, लेकिन अभी फोन साहब को दिलासा दे रहे थे। अच्छा को आ जाएंगे। अच्छा लेकिन इरादा हमारा कुछ और था। इरादा आपका आज जाने का था? नहीं आज का नहीं। हाँ हाँ इरादा इनका आज जाने का था, वैसे दिलासा दे रहे थे, उनको भी दिलासा दे रहे थे, हमें भी दिलासा दे रहे थे। वो बंद कर यार, बंद कर, बंद कर, बंद कर, इधर बाहर आ जा, अंदर आ जा, कुंडी दे दी बाहर, ऊपर कुंडी दो, ऊपर ऊपर, चलो फिर खोलेगा। चलो बंद हो गया, ठीक है बाय बाय करो, देर है। अच्छा फिर क्या मसला हुआ? तो मसला ये बन गया है हमें जाना है सोशल वेलफेयर के दफ्तर। अच्छा जो इंजीनियर रजिस्टर्ड हो रहे हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट चल रही है ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं फिर हमें जो है ना देने पड़ते हैं। सही है तो इसीलिए मजबूरन जाना पड़ेगा। अच्छा हम भी मजबूर हो के यार आज नहीं वैसे भी। अच्छा कल वैसे भी जुम्मा है। अच्छा फिर हफ्ता ऐतवार छुट्टी हो जानी है, वैसे इनका सोमवार जाके काम होना है। कल हम पहुंच के ना अपना काम कंप्लीट करके हम वो दफ्तर में भिजवा देंगे, वो अपलोड हो जाएगी आगे वो, क्योंकि होम डिपार्टमेंट तक हमारी डिपार्टमेंट तक कॉल फाइल जो है पहुंच चुकी है, होम मिनिस्ट्री तक। उसके बाद जो है ना ये 2-3 दिन हमें बच जाएंगे जी, अगर हम मंडे वाले दिन गए तो फिर मसला बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट तक बंदा भी यहाँ पहुँच चुका है, वो जो फाइल लेके गया है जिसने अप्रूवल करवानी है। चले अल्लाह पाक बेहतर करे जी, बहरहाल देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, मजबूरी है इनकी, बहरहाल अल्लाह खैर करे। और माशाल्लाह और भी मेहमान हमारे आ चुके हैं, कवल बाजी भी आ चुकी है। आपकी आपकी मिसेस का क्या नाम है? मेरी मिसेस का नाम जो है ना वो खुफिया रखा हुआ है, ये फैमिली नाम रख लिया है हमने, ये जो है ना हमारा एक जाते जाते हैप्पी फैमिली, ये शिजा विलेज फैमिली। अच्छा हाँ जी शिजा विलेज फैमिली हमारा न्यू चैनल हमने जो बनाया है। हाँ तो वो आपके जो बहन भाई ऑडियंस देखने वाले उनसे हमने रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज हमारे चैनल का भी विजिट कर लें। हाँ जरूर करें, सही बात है। हाँ, क्या थी ना भाई दे ओ भाई, हर टाइम जब देखो ऐसे लड़ाई होती है इनकी, जब देखो लड़ाई होती है, उखेड़ मारे को सब्बा के पास ताकत नहीं है इतनी, बस लिटा कर एक हाथ लगाया मैंने, ये अभी एक हाथ लगाया जी। छोड़ दे भाभी छोड़ दे।
क्या नाराज हो एक दूसरे से? हैं नाराज हो? अभी का मूड बता रहा है चेहरा क्यों नाराज हो गई है? मना दो मैं क्यों मनावा नाराज ताई की थी है तो सही करते वा ना तेरी कावड़ मेरे होते कटे सी अच्छा सुबह के ना सुबह भाभी के चेहरे के इंप्रेशन साफ बता रहे हैं कि सुबह भाभी नाराज है भाभी मान जब ऐसे ये कैसे मानते हैं ये तो पता होगा हैं ये कैसे मानती है ये तो पता होगा नहीं पता नहीं पता औरत का मनाने का मर्द का मनाने का अलग अलग सीन होता है अब मैं मर्द के मनाने का बताऊं भी मैं कैसे मनाता हूं वो आप कैसे मनाओगी ये आपको अपने तरीके का पता है क्या लगता भाई हाँ ये आपको पता है हाँ जी मैं अपना तरीका इस्तेमाल करती हूँ ठीक है जल्दी से करो ओए लो क्या है अंदर हलवा की नजर मामले क्या हो रहा ओए मार जाएगी मार जाएगी होश है सबा ज्यादा तो नहीं गर्दन घूट दी आपकी हेलो क्या हुआ कुछ नहीं यार मैं पाँच चना की तक आराम अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम आ गए हैं बाहर और सबा जो है ना सबा और एज की फाइट हुई किसकी शमशादी की सीरियस में कोई नाराजगी है या वैसे मजाक कर रही है उसके साथ सीरियस में नाराजगी है क्यों इसने मेरे साथ बेवफाई की है इसने कहा था हम दोनों इकट्ठे सोएंगे फिर रात हम कमरे में चले गए सोने के लिए फिर ये बाहर सो गई फिर मैं सब रात इंतजार करती रही मैंने कहा आएगी हम गपशप लगाएंगे फिर ये नहीं आए फिर मुझे गुस्सा आ गया अच्छा शमशादी और आप जो है ना वो एक साथ सो के गपशप लगाना चाहती थी अच्छा जी और वो नहीं आई थी अच्छा फिर आपने उसको बोला है उसको पता वैसे लगा हुआ है शायद लेकिन मैंने दोबारा नहीं बताया उसको सही है चले अच्छा रात ऐसा हुआ कि हमने ना वो आपको पता है एसी वगैरह बंद कर दिया है अभी तो गेस्ट जो मेहमान अभी बैठे हैं उनके लिए हमने कहा अब दो चार दिन की कोई बात नहीं होती तो मेहमानों से ज़्यादा बिल को नहीं देखा जाता मेहमानों को देखा जाता है तो ये है कि रात मैंने पिछली रात हम बाहर सोए थे लेकिन हमें मतलब ये लगा कि यार शायद ये सही नहीं है तो आज जो रात वाली गुज़िश्ता रात गुजरी है हमने एसी ऑन किया हमने कहा जो लेडीज़ हैं सारी वो सारी रूम के अंदर मतलब मेरी अम्मी जान अल्ताफ़ भाई की अम्मी जान और शमशादी हो गई और हनीफ भाई की बेगम हो गई और जैन की अम्मी हो गई सबा हो गई मैंने कहा ये जो लेडीज़ कवलबाजी हो गई सारी लेडीज़ अंदर कमरे में सो जाएं एसी ऑन करके कुंडी लगा अपना अंदर गपशप लगाएं सारी लेडीज़ सुकून से सोएं और हम जो तीन चार मर्द हैं वो हम अपना बाहर सोएंगे ये वाला कूलर पंखा लगा के तो हमने इस तरह सेटिंग की तो जब सबको बुलाया तो फिर कौन कौन आए अंदर हनीफ की बेगम ने कहा मैं नहीं सोती मेरे सर में दर्द हो जाता है एसी की हवा मुझे अच्छी नहीं लगती सही अम्मी जान को बोला अम्मी जान ने कहा मुझे यहाँ पे नींद आ रही है मैंने नहीं आना ठीक वो है वो यहाँ पे सो गई बाकी शमशादी को कहा वो चुप करके यहाँ पे सो गई वो नहीं आई फिर बाकी कमल मैं और जैन की अम्मी और अम्मा भाई अल्ताफ वाली अम्मी बस हम ये चार सोए थे आप सही हो गया और हम भी बाहर सोए थे चले जो रात गई वो बात गई अब उनको क्या है छेड़ना कैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे से चले मुझे नाश्ता वगैरह थोड़ा सा देती हो क्योंकि साहब ने नाश्ता किया हुआ है ना फिर मैं भूखा रह जाऊंगा क्योंकि अभी अल्ताफ भाई भी कह रहा था कि अभी शहर चलना है थोड़ा सा काम है उनका तो उनके साथ में शहर चला जाऊंगा तो साहब ने नाश्ता किया हुआ है मैं रह रहा हूँ तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ ताकि फिर जो है नहीं ये गलत बात है शमशादी आपी नहीं भाई ये सुबह से ये रात उधर कमरे में थी और आप बाहर थी नहीं मैं इसके साथ थी कहाँ साथ थी वो मैं साथ थी इसके
सच्ची बात है, वो जैन की अम्मी से आप पूछ रहे मैं किधर थी। वो कह रही है नहीं थी, बाहर सो गई। नहीं मैं इसके साथ ही थी। हाँ सबा नहीं थी, मैंने ना रात करीबन सीरियसली का टाइम था, उठी हूँ ठीक है। हसन जान भाभी सो रही थी, कमल सो रही थी और अम्मी जान भी सो रही थी, मैं नहीं थी उस टाइम। नहीं मैं भाभी के साथ सो रही थी, नहीं देखा होगा ना भाभी ने वो सीरियसली। लेकिन आपने इसके साथ सोना था, गपशप लगानी थी, आपको याद है? नहीं हम जो ना दोनों जाग रही थी, से सो नींद आ गई। अच्छा ये पहले हमसे सो गई और वीडियो जो ना अपलोड की मैं उसी के साथ बैठी रही। आप कैमरा भी चेक कर सकती हैं, कैमरा के अंदर भी सब कुछ होगा, मैं किधर थी ठीक है। मैं आपके साथ सोई थी सीरियसली, आप मान जाओ, मान जाओ। मैं फिर वो मान जाओ, एक बार गले लगा दो, एक बार क्या करे, क्या करे, बस ये तरीका है। मैंने नंबर सही तरीके से सेट किया था, मजाक नहीं, मेरा दिल कहता था कि यही होगा, नहीं वही हुआ है। नहीं हुआ, सीरियसली मान लो। मैंने गले लगाया, इसने नहीं लगाया। चले कोई बात नहीं, आज हम चले जाएंगे। ना बात करो मुझसे, मेरा बच्चा पता लग गया से। आज पता चल जाएगा, मजाक नहीं है कि सच में आप मुझे नाराज छोड़ के चली जाओगी, या आज पता चलेगा आपकी दोस्ती का। क्या करे बंदा इसका, अब नहीं कोई मेरा साथ भी नहीं दे रहा, कोई भी ना भाई दे रहा है, ना भाभी, कोई भी नहीं साथ दे रहा। मैं आपके साथ हूँ ना, टेंशन ले, मना के जाएंगे, कुछ भी हो जाए गाड़ी में डाल लेंगे, फिर तो मानेगी ना भाभी। गाड़ी में साथ लेके जाएंगे, फिर तो मानेगी ना। अच्छा ये जानते हैं जो आपने दूध बना कर रखा था वो किसने दिया, ये पता है आपको? फिर छोड़ो, बस रात गई बात गई, छोड़ो। फिर गुस्सा खत्म कर लो ना, रात गई बात गई, बस गुस्सा खत्म कर लो। फिर आ जाओ, आ जाओ भाभी, नाश्ता कर लें। आपने करना है? मैं नाश्ता करना है, लेकिन अब नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, वो तेरी मेरी अलग बात, उसकी अलग बात, वो आपका मामला मेरा। सुबह जब आप गई थी ना, नाराज हो गई थी, मैंने थोड़ा सा किया, मैंने कहा बताया नाश्ता वहीं पे कर लूंगी। चलो आ जाओ फिर। नहीं वो बात, वो मेरे भाई को तो बुलाओ, वो भी मेरे साथ नाश्ता कर लेगा। हैं अल्ताफ भाई को तो बुलाओ। हाँ क्या पता फिर उसके साथ बैठ जाइए अभी नाश्ता करने। नहीं सुबह बैठेगी तो मैं बैठूंगी, ऐसे मैं नहीं बैठूंगी। ये मुझे कहेगी, ये एक लुकमा तोड़ के मेरे मुँह में देगी, फिर मैं खाऊंगी। वैसे आपस की बात है, मुझे लुकमा सबा लुकमा मुंह में देगी, मैं सोच रहा हूँ उसने मुझे नहीं लुकमा मुंह में। आपको तो जितनी दो आप तो ऐसे भी नहीं मानोगे। मजाक कर रहा हूँ, आप तो मुझे लुकमा देती हो। ए ना आप ना, मेरा भी लगता है झगड़ा हो गया है सबा से, ऐसा ऐसा ना झगड़ा। आप जो है ना कोशिश करें कि सही रहें, क्योंकि ये फिर बाद में ना सारा मसला मेरे साथ होना है, सारा गुस्सा फिर सबा मुझ पे निकालेगी, बड़ा मसला बन जाएगा। हे अल्लाह, आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा नसीब की बात है ना, फुल हो पर लस्सी शस्सी थोड़े सी थोड़ा बहुत। हाँ चलो बैठ तो जाओ ना, बिजी तो नहीं थे? आ जाओ मौलवी, नाश्ता सारा कर, सारा कुछ खा के घर वालों के लिए कुछ नहीं बचाया? नहीं वो भी खाया है। अच्छा मैंने कहा सारा को तो तू खा ही थे, और तुरंत को तंग गई। चले सबा और कुछ ले आओ, सबा मिर्ची वगैरह और प्याज के अंदर नमक वगैरह कम है। माशाल्लाह जी, सूट जो है ना वो आ चुके हैं। एक पे क्या लिखा हुआ है?
अच्छा हाफिज साहब, वो नाम का पता नहीं था ना, उन्होंने देखा दाढ़ी है, हाफिज साहब लिख दिया। माशाल्लाह, वैसे भी अल्ताफ भाई हाफिज है ना? हाफिज कुरान नहीं है? पहले पता नहीं कौन बताया था आप तरावी भी पढ़ाते थे। अच्छा नादरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नादरा कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ, हिफ्ज़ नहीं किया था, तो मैंने समझा शायद आपने हिफ्ज़ किया हो। सही, और नादरा ही है जैसे अब्बू जान जैसे, और नादरा है ना, नादरा पड़े हुए। चले जी, ये प्याज भी आ चुके हैं, लस्सी भी आ चुकी है, कपड़े भी आ चुके हैं। मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लूँ। आप नाश्ता करना है ना मेरे साथ? नहीं करना तो आप ऐसा करें, नहा के कपड़े पहन लें, मैं फिर टू मैं नाश्ता ही में करके तुम धां से बाहर निकलोगे, मैं धां से जल्दी जल्दी कपड़े पाके इनसे। रोटी खा के फिर नहाना नहीं चाहिए? नहाना चाहिए, वो हाजमा हो जाता है खाना। हाँ जी, तो प्यारे बहन भाइयों, आप इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखे, हमें दो हमें याद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिन जिंदाबाद, बाय बाय।